हे नमस्कार दर्शक बिंदु, मैं सोमेन। तो आज आए हैं एक अनोखा टाइप का जगह पे, नया जगह पे, और यहाँ पे एक 58 गेट है, मतलब 58 गेट्स है। वो दामोदर नदी का गेट्स है, वो डायरेक्ट भागीरथी पे जाके मिलता है। वो वाला गेट्स है, देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक डियर पार्क, यहाँ पे एक गौरचुमुक का डियर पार्क है। मतलब बहुत सारे जो हरिन बोलते हैं उसको डियर, वो रहता है। और क्रोकोडाइल, छोटा सा एक जू टाइप है, वो भी दिखाएंगे। और इन भाइयों को कुछ बर्ड्स भी देने के लिए आए थे, कुछ लेने भी आए थे, वो भी दिखाते हैं। तो ये शुभदीप है, और ये बताएगा कि मतलब यहाँ पे आने के लिए, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, पिकनिक वगैरह करने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पे देखने के लिए भी बहुत अच्छा एक नज़ारा है, मतलब एक मिनी जू टाइप है। यहाँ पे कैसे आ सकते हैं अगर कोई कोलकाता से आता है, प्रॉपर कोलकाता से आने से? तो धर्मतला से एक बस आता है, CTC WBTC जो कोई भी है, वो गादियारा रूट का है, धर्मतला टू गादियारा ये रूट का है। और नहीं तो हावड़ा से कोई बस आता है, या फिर ट्रेन से हावड़ा से उलोबेरिया तक आने के बाद वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ के 58 गेट आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आ सकते। तो चलिए वो भी जू वगैरह दिखाते हैं, आ सकते पसंद आएगा। और नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बजिस से वो देने के लिए आए थे, ये देखिए कुछ लिए भी है, कुछ दिए भी है, कुछ कॉकटेल्स है। और ये देखिए 58 गेट। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब ये जो 58 जो गेट्स है, ये बेसिकली किया गया था, जो दामोदर नदी है उस पर कभी कभार बांध आ जाता था, ठीक है, फ्लोट हो जाता था। और कभी कभार जो खेत वगैरह होता है, मतलब फार्मर लोग फार्मिंग करते हैं, उसके लिए कभी कभार पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा पानी लगता था, बारिश वगैरह अगर नहीं होता तो उसके लिए जो मेन जो नदी है वहाँ से पानी लेके आके यहाँ पर घुसा सके, या फिर इसके अगर पानी ज़्यादा हो जाए, फ्लोट हो जाए, तो यहाँ पर दे सके। इसके लिए बेसिकली ये गेट किया गया था, और बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। মুখ করায় না কি বলো, তো কোথায় টিকিট কাটে? অনেক লম্বা কত, ছ ফুট হবে? ও হবে, একটা যাও, ছ ফুটের বেশি, বয়স মানে তোমার একটু কমই হবে, আর 95 বক্ত, তোমার কত? আরো 95 দেই, ওই নভেম্বরে। যাবি তো স্যার, চলে। তো ফ্রেন্ডস ये जो है कि गौरचुमुक डियर प्रकल्प, उसमें आ चुके हैं। पूरा ही जंगल है, वो देखिए पूरा एकदम जंगल। और यहाँ पर एक जाता है, कोदर है बाकी हमें। और यहाँ पे कुछ 100 वगैरह था पहले, अभी नहीं है। वो है और फ्रेंड्स ये देखिए और यहाँ पर देखिए गोल्डन फेजेंट है और कुत्ता ये देखिए फ्रेंड्स ये सब पूरा ही लाइन से एकदम और ये मतलब ज़्यादा कुछ बर्ड्स तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो कुछ चिकन है और गोल्डन फेजेंट, कुछ पीकॉक जिसे रॉ पैरट बोलते हैं, मतलब जिसे अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं, चंदनाटिया हम लोग बोलते हैं, वो कुछ है, ठीक है। और भी क्या क्या दिखाते हैं। और फ्रेंड्स ये एक जगह है,
सरकारी जगह है लेकिन ये लोग मतलब देखभाल एकदम नहीं करते, पूरा एकदम जंगल हो गया, मतलब जो जंगली पेड़ पौधा है सब बड़ा हो गया है, ठीक है, मतलब साफ सफाई एकदम नहीं करते। और ये केज देख रहा हूँ, ये केज का भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो खाएगा किसी को खाएंगे, तो ये केज को भी ये लोग मरम्मत नहीं किए, ये कुछ भी पूरा ख़राब हो गया, एकदम पेड़ पौधा बीच में से पेड़ उठ गया है, ठीक है, एकदम एकदम ये लोग मतलब मरम्मत वगैरह नहीं किए। सरकारी फार्म है इतना बड़ा लेकिन हालात बहुत ही बुरा है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा चल के जा रहे हैं, वो मयूर बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ बर्ड्स यहाँ पे नहीं है, और जो सारे केज में रखा गया है वो भी ठीक ठाक नहीं है उतना, मतलब पानी वानी गिर रहा है उतना, इंतज़ाम ठीक ठाक नहीं किया गया है, और एकदम जंगली जंगल हो चुका है। जो लोग यहाँ पे काम वगैरह करते हैं वो लोग साफ़ सफाई भी ठीक से नहीं किए होंगे, क्योंकि सरकारी फार्म में अच्छे लोग तो साफ़ सफाई के लिए होना चाहिए, लेकिन वो लोग मतलब अभी देख रहा हूँ थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, इतने दिनों से नहीं किए होंगे। और चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं बाकी के जो जानवर है पेट से उसे कैसे रखा गया है, सारे वाइल्ड है, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है कि डियर हम लोगों को दिख गया है, वो देखिए की हो रही बोले देख लो সিজনে তো বাড়ে বাকি সময় তো সে আবার বের হয়ে যায় নাকি সব সময় বাড়ে ভেঙে গেলে ছোট অবস্থা থাকেনি বড় হয়ে গেলে বড় থিং থেকেই যায় থেকেই যায় ওদের টেরিটরিটা বয়সের সাথে সাথে সিং তো হয় নাকি মনে হয় মেলতে শুরু থাকে ফিমেলদের আর অন্য প্রজাতিগুলো সিং থাকে ছোট মতো ফিমেলদের ছোট মতো সিং থাকে ছাগল যেমন থাকে না আচ্ছা ওইখানেও কিছুটা আছে ওই দিকে যাওয়া যায় না ওই দিকটা ওই দিক দিয়ে এইরকম এই সোজা করে ঘেরা আছে ওই দিক যাওয়া যাবে। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने ये वीडियो, आशा करते पसंद आएगा, और ये पसंद आता प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ये कुछ सब दोस्त लोग थे आए थे, बहुत सारा घूमे, और 10 रुपये करके टिकट था इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर, जय हिंद। फ्रेंड्स ये लोग, ये आप देख रहे हैं नेटवर्क नदी को देख सकते हैं, भागीरथी नदी है, और बरसात का दिन में हम लोग आए थे यहाँ पे बर्ड्स डिलीवर करने, कुछ दोस्त लोग को और कुछ बर्ड्स खरीदे भी हैं। तो ये नदी का जो है, नदी का उस पार कोलकाता आता है, ठीक है, और मैं नदी पार करके इस तरफ आया। जब मैं आ रहा था ना, जिस लॉन्च से मैं आ रहा था उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और अभी लौटूंगा, देखते किस तरह से लौट पाता हूँ ठीक ठाक। मतलब जो लहर है, अभी तो नदी शांत है, लेकिन जब भी हवा आती है तब लहर का बहुत ज़ोर से लहर होती है। ये देखिए वो नाव, किस तरह से नाव हिल रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसा ही नॉर्मल हिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो अगर नाव में आप लोग रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये किस तरह से, तो बहुत ही तेज़ी से एकदम हवा आता है और पूरा एकदम लहर बहुत ज़ोर ज़ोर से होता है। छोटा छोटा नाव में अगर आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अभी डूब जाएगा, पर डूबता नहीं, लेकिन थोड़ा सा चूक जाता है, ठीक है। अभी तो नदी बहुत ज़्यादा शांत है,
लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, नया एक एक्सपीरियंस हुआ आज नदी का, नदी पार करने का छोटे छोटे नाव से। बहुत ही हालत बुरा हो जाता है।